सिफाकाइन 500 एमजी टैबलेट, इसे मैनकाइंड फार्मा द्वारा बनाया जाता है। इसका जो पैक है वह 10 टैबलेट का कॉस्ट 399। तो कब डॉक्टर आपको इससे रिकमेंड करते हैं या कब आपको इसे लेना चाहिए, किस तरह की समस्या में कितना दिन लेना चाहिए, क्या बेनिफिट्स देता है, अगर आप खुद से ले रहे तो क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, अगर आपको पूरी जानकारी नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको हिंदी में शेयर करने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप पूरी जानकारी रखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अपडेटेड रहना चाहते हैं फ्यूचर में बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सिफाकाइन 500 एमजी टैबलेट के अंदर जो मॉलिक्यूलर सेपरोक्सिम 500 एमजी है, इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है। ये एक एंटीबायोटिक है, इसे तभी उपयोग किया जाता है जब आपको निमोनिया हुआ है, नाक कान गले का इन्फेक्शन है, या जैसे कि आपका नोजल साइनस यूनिट ट्रैक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या स्किन का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या सॉफ्ट टिश्यू बैक्टीरियल और बोन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, या जॉइंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तब डॉक्टर इसे रिकमेंड करता है। या जैसे कि प्रेगनेंसी में जब सर्जरी वगैरह होती है तभी भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करता है, या जैसे कि आपको कॉमन कोल्ड है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तभी भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट इसका रिजल्ट मिलता है। इसका जो डोज रहता है वह ट्वाइस डेली डोज रहता है, मॉर्निंग और इवनिंग। इसे खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, तो जहाँ तक हो आप खाना खाने के बाद लें ताकि गैस्ट्रिक इरिटेशन आपको कम हो। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से जरूर इसके बारे में डिस्कस करें, उसके बाद ही लें। बिना डॉक्टर की सलाह से इसे परचेस नहीं करें, ना ही इसका इस्तेमाल करें। अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपको कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। यह वीडियो एजुकेशन और नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई गई। अगर आप खुद से लेंगे तो साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको अपचन हो सकती है, पेट में गैसेस बन सकती है, डायरिया हो सकता है, उल्टी आ सकती है, जी मचला सकता है, भूख कम लग सकती है। तो अगर आप वीडियो और चैनल पर पहली बार विजिट किया, वीडियो आपको जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, इनकरेज करना चाहते हैं ताकि मैं और भी आपको अपडेटेड रखूँ नए नए मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।